Good morning, students. Welcome back in your Maths Online class. Students, in previous class we have discussed the exercise 2.4. 1, 2, 3 questions और fourth question भी आपका homework था, लेकिन first, second, third question के base पे ही fourth question था. तो उसमें जो भी आपकी difficulties रही हैं mainly वो इन questions में थी, तो इनको हम देख लेते हैं. देन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5. ओके, सो 2/5 डिवाइड बाय 1/2. इसमें आपको रेसिप्रोकल लेना होगा 1/2 का. सो द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/5. अब रेसिप्रोकल लेने के बाद हम मल्टीप्लाई साइन यूज़ कर सकते हैं डिवाइड के साइन की जगह, देन 2/1. सो आंसर हो जाएगा 4/5. सिंपल. नेक्स्ट, यहाँ पर आपको पहले कन्वर्ट करना होगा इम्प्रॉपर को, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में. 3 2 6 + 1 7/3 डिवाइड बाय 3/5. नाउ यू कैन रेसिप्रोकल, यू कैन टेक रेसिप्रोकल ऑफ 3/5 विच इज़ 5/3. सो 7/3 मल्टीप्लाई 5/3, टोटल यहाँ पे हो जाएगा 35/9. एक और क्वेश्चन यहाँ पे वही आपको फिर से इसमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में. 5 3 = 15 + 1 16/5 डिवाइड बाय 3 1 = 3 + 2 5/3. नाउ रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर 16/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 48/25. नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 3/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8 सिंपली 3/8. सो ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.4 के. नाउ सी एक्सरसाइज 2.5. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5 विच इज़ ग्रेटर. स्टूडेंट्स, अब आपके फ्रैक्शंस जो हैं वो यहाँ पे फिनिश हो गए. अब 2.5 से डेसिमल नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो डेसिमल नंबर्स के जो ऑपरेशंस हैं वो हम इसमें सीखेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ ग्रेटर. यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से ग्रेटर कौन सा है. ग्रेटर नंबर बताने के लिए पहले हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में, जैसे 0.5 लिखा है, 0.5 का जब हम डेसिमल रिमूव करते हैं तो 5/10 हो जाता है, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतना ही हम ज़ीरो नीचे लगा के 1 पुट करते हैं. दैट मीन्स अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है तो अपॉन में 10 आएगा. और यहाँ देखिए डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं, 1, 2 नंबर्स हैं. तो जब ये डेसिमल आप यहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो अपॉन में आएगा 100. ओके स्टूडेंट्स, अगर 1 नंबर है तो 10, 2 नंबर्स है तो 100, 3 नंबर्स है तो 1000, 4 नंबर्स है तो 10,000, इस तरीके से. नाउ ये दिख रहा है आपको 5/10, ये है 5/100. ठीक है, अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है. तो यहाँ पे आपको याद हो तो हमने चैप्टर्स में सीखा था, चैप्टर 1 में 10th प्लेस और ये जो प्लेसेस होती है 100th प्लेस, नंबर सिस्टम में हमने ये सब पढ़ा है. 10th प्लेस इज़ ग्रेटर देन 100th प्लेस, यानी डेसिमल के बाद में जो नंबर डेसिमल के जितने ज़्यादा क्लोज होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है नेक्स्ट वाले नंबर से. यानी ये जो 10th प्लेस है इट इज़ ग्रेटर देन दी 100th प्लेस. बाकी न्यूमरेटर तो दोनों में सेम है, न्यूमरेटर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे 5/10 इज़ ग्रेटर देन 5/100. नाउ 7 तो होल नंबर है. अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो ये 7/10 बनेगा. 7/10 इज़ लेस देन 7, ये तो आप भी जानते हैं. होल नंबर ग्रेटर होगा किसी भी 10th या 100th नंबर से. एक और इसका देख लेते हैं, 2.03, इसका डेसिमल आप रिमूव करेंगे अपॉन में आएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं तो 100. एंड वहाँ है 2.30, इसका भी जब आप डेसिमल रिमूव करेंगे तो अपॉन में आएगा 100, क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं. डिनोमिनेटर्स तो सेम हो गए, डिनोमिनेटर्स में देखने की ज़रूरत नहीं. अब न्यूमरेटर में देखते हैं, आप खुद यहाँ समझ सकते हैं 203 इज़ लेस देन 230. दैट मीन्स यहाँ पे जो साइन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सप्रेस एज रुपीज़, एक्सप्रेस एज रुपीज़ क्वेश्चन नंबर 2, 7 पैसे लिखे हुए, 7 पैसे. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इन 1 रुपीज़ हाउ मैनी
पैसे, यानी एक रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये जनरल रूल है। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, उसी तरीके से 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर 7 पैसे लिखे हुए, पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, यानी स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट। तो हम यहाँ पे करेंगे 100 का डिवाइड, स्मॉल से बिग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तब हम करते हैं डिवाइड। अब जैसे मैंने आपसे अभी लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था कि अगर ऊपर 2 नंबर हो, डेसिमल के बाद में 2 नंबर हो न्यूमरेटर में, तो जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आएगा। यानी आप यहाँ समझ सकते हैं कि 07 को 0.07 रुपीज़ लिख सकते हैं, ताकि जब आप यहाँ से अगर इसका रिमूव करते हैं ये नंबर, ये डेसिमल, तो वापस से 7/100 ही आएगा। एक और इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, इसका हम लेते हैं थर्ड, 77 रुपीज़ को मैं इस साइन में लिख रही हूँ, एंड 77 पैसे। हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें तो रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ये रुपीज़ में पहले से ही कन्वर्टेड है, इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, इसको 77 रुपीज़ ही लिखना है। बचा यहाँ पे 77 पैसे, तो 77 डिवाइड बाय 100। अब जब 100 का डिवाइड कर दिया है तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है वो। 77 प्लस 0.77, हमने क्या किया, दो ज़ीरो हैं, मतलब सेकंड प्लेस पे डेसिमल पुट कर देना है, यानी न्यूमरेटर में जो नंबर है उसमें से सेकंड प्लेस पे नंबर पुट करना है, क्योंकि 2 ज़ीरो हैं। तो ये देखे, मैंने यहाँ पे एक डेसिमल पुट कर दिया और आगे 0 लगा दिया, बिकॉज 0.77 नहीं लिखते हैं, 0.77 नहीं लिखते हैं, 0.77 लिखते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 77.77 रुपीज़। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और देख लीजिए, 5th इसका 235 पैसे है। अब आप इसको क्या करेंगे, 235 को डिवाइड करेंगे 100 से, बिकॉज 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसे। और जब आप ये डेसिमल प्लेस करेंगे, कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं, तो सेकंड प्लेस पे कॉमा, ये डेसिमल आ जाएगा, 2.35 इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर में एंड फिर किलोमीटर में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। अब हमें 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, अगेन स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट। तो 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी विल डिवाइड 5 बाय 100। 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज सेंटीमीटर एंड मीटर में 100 का रिलेशन है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 बाय 100 मीटर। इसको आप डेसिमल में लिखना चाहे तो 0.05 मीटर ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। सो हम क्या करेंगे, 5 डिवाइड बाय, अब देखिए किलोमीटर और सेंटीमीटर में कितना रिलेशन है, 1 लाख का। जब किलोमीटर से सेंटीमीटर चेंज करते हैं तो 1 लाख का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट, यानी सेंटीमीटर टू किलोमीटर चेंज कर रहे हैं, तो 1 लाख का यहाँ पे डिवीज़न होगा। और जब आप यहाँ पे इसका डेसिमल पुट करेंगे तो कितने ज़ीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ज़ीरोज़ हैं, तो न्यूमरेटर में 5th प्लेस पे आपका पॉइंट लगेगा। जैसे लास्ट प्लेस 5 की हो गई, ये 1 फर्स्ट प्लेस है, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th और ये 5th, यानी यहाँ पर आपका डेसिमल आएगा। अब डेसिमल के आगे भी 1 ज़ीरो लगाना कंपलसरी होता है। तो ये हो गया किलोमीटर में चेंज, 5 सेंटीमीटर किलोमीटर में चेंज हो गया है। एक और क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं, किसी भी नंबर, ग्राम के नंबर को किलोग्राम में चेंज करना। जैसे लिखा है 200 ग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए 1 किलोग्राम में कितने
ग्राम्स होते हैं, थाउजेंड्स ग्राम होते हैं, तो 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम इस 1000 का डिवाइड कर देंगे 200 में। ये देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया। आप चाहें तो ज़ीरो से ज़ीरो कट करके 2/10 लिखिए और उसके बाद इसको 0.2 किलोग्राम लिख सकते हैं। डेसिमल प्लेस कर दिया, एक ज़ीरो है तो वंस प्लेस पे डेसिमल आ गया। और इसके बाद हम एक और इसका देखें थर्ड ऑप्शन, तो उसमें लिखा है 4 किलोग्राम 8 ग्राम, ये लिखा हुआ है। तो 4 किलोग्राम 8 ग्राम लिखा हुआ है। किलोग्राम तो पहले से ही चेंज्ड है, हमें चेंज किसको करना है, इस ग्राम को। तो 4 किलोग्राम अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा, 8 में हम डिवाइड कर देंगे 1000 का। अब ये भी किलोग्राम बन गया है, 4 किलोग्राम प्लस, जब यहाँ पे ये जो 1000 है इसका हम डेसिमल प्लेस करेंगे तो कहाँ होगा, 1, 2, 3 थर्ड प्लेस पे होगा। फर्स्ट प्लेस पे 8, सेकंड प्लेस पे कोई नंबर नहीं है तो 0, फिर एक और 0। अब आ गई ना 3 प्लेसेस, अब यहाँ पर आप डेसिमल पुट कर सकते हैं। डेसिमल के आगे एक 0 लगाना कंपलसरी होता है। तो ये इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो गया, 4.008 किलोग्राम कब आया, जब आपने इस टर्म को ऐड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब इसका फिफ्थ क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर को लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म में किसी नंबर को कैसे लिखा जाएगा। जैसे हम फर्स्ट वाला लेते हैं 20.03, ठीक है। यहाँ जो ज़ीरो की प्लेस है वो है वंस प्लेस, टू की प्लेस है वो है टेंस प्लेस, और उसके बाद ये जो प्लेस है ये टेनथ प्लेस है, टेनथ प्लेस। ये जो थ्री की प्लेस है ये हंड्रेड प्लेस है, हंड्रेड, ठीक है। तो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, जैसे इसको आपको ऐसे लिखना है 2 × 10 प्लस, क्योंकि 2 कौन सी प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 से। देन 0 कौन सी प्लेस पे, वंस प्लेस पे, वंस प्लेस यानी मल्टीप्लाई बाय 1। देन प्लस 0, ये जो 0 है सेकेंड वाला, ये टेंथ प्लेस पे, यानी 0/10, टेंथ प्लेस होती है 1/10 प्लेस। और जो 3 है वो है हंड्रेड प्लेस पे, जैसे नाम है इसका हंड्रेड, तो 3 में 100 का डिवीजन। ये है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं, इसी का हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं, जिसमें है 200.03। सबसे पहले तो सबकी प्लेसेस पता करते हैं, ये है वंस प्लेस, ये है टेंस प्लेस, ये है हंड्रेड प्लेस, ठीक है। ये है टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस, और ये जो है आपकी है हंड्रेड, हंड्रेड प्लेस, ठीक है। अब बस आपको इसको फॉर्मिंग करना है इसका। तो 2 जो है 100 की प्लेस पे है, इसलिए 2 × 100 प्लस 0 जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो 0 × 10 प्लस, ये जो 0 है ये वंस प्लेस पे है तो इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा। ये जो लास्ट वाला 0 है, थर्ड 0, ये टेंथ प्लेस पे है, तो टेंथ यानी डिवाइड बाय 10। और जो 3 है वो हंड्रेड प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100। दिस इज़ द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ओके स्टूडेंट।